राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कृष्णवाणी में। इस कृष्णवाणी में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आइए आज मैं आप सभी को एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति वो मंदिर में गया ईश्वर को दर्शन प्राप्त करने। जब वहाँ पर लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति नेत्रहीन है, वहाँ पर सभी लोग उस व्यक्ति का उपहास उड़ाने लगे कि वो नेत्रहीन व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करने आया है, कदाचित वो ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु लोगों की इन सभी बातों से उस पीड़ित व्यक्ति ने, नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित होने नहीं दिया। वो पहले जैसे मुस्कुराता ही रहा। वो नेत्रहीन व्यक्ति ने वो सिर्फ एक ही बात कहा, माना कि ईश्वर ने मेरी दृष्टि मुझसे छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं, मैं ईश्वर को देख नहीं सकता। क्या हुआ, किंतु मेरे ईश्वर तो मुझे देख सकते हैं ना। तब इसके आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्मरण रखिएगा आप सब, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा तो अशुभ में भी शुभ दिखने लगता है और मन प्रसन्न होकर कहता है कि राधे राधे। क्रोध, क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीव मन से भी तीव्र गति से कार्य करती है। लालच वो मनोस्थिति जिसमें करुणा से भी अधिक तीव्र गति से कार्य करती है। प्रतिशोध, प्रतिशोध ये ऐसा है जिसमें व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाकर स्वयं को बहुत प्रसन्न करता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है और वो व्यक्ति कुछ और ही बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर आनंद वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से भी ज़्यादा प्रसन्न होती है। और प्रेम वो प्रेम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बढ़ जाता है और सबका सुख हम में आ जाते हैं।